वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों के भी बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है और आप लोग थक चुके हैं बहुत सारी चीजों को ट्राई कर करके, तो आज इस वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ अपने बालों की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमानेंट रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ, परमानेंट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपके बाल जो है वो बिल्कुल ही टूटना बंद हो जाएंगे, बालों का झड़ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ग्रे हेयर की अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, स्कैल्प पर काफी ज्यादा बार ऐसा होता है कि थोड़े व्हाइट हेयर दिखने लग जाते हैं, तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ है। इसे प्रिपेयर करने के लिए जिस इंग्रेडिएंट का आज मैंने यूज करा है वो है हमारा एलोवेरा। फ्रेंड्स, एलोवेरा के स्किन के अलावा बालों के लिए भी काफी ज्यादा इफेक्टिव यूजेस होते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों के ग्रो होने की जो प्रोसेस है, जितना टाइम हमारे बालों को ग्रो होने में लगता है उसे इंक्रीज कर देता है, यानी कि इससे जो आपके बाल है वो रीग्रो होंगे। अगर आपके स्कैल्प पर कहीं कहीं बॉल्डनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा आपको गंजापन आ रहा है कहीं कहीं स्पॉट्स पर, तो आप इस हेयर ऑयल को जरूर यूज करें, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ आपके बॉल्डनेस की प्रॉब्लम क्योर होने वाली है, बल्कि अगर आपका भी स्कैल्प काफी ज्यादा ड्राई है, रफ है, काफी ज्यादा इचनेस की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो ये हेयर ऑयल आप लोगों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। मेरे खुद के बालों का जो टेक्सचर है वो कर्ली है, नेचुरली मेरे बाल काफी ज्यादा कर्ली है और कर्ली होने की वजह से ही मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा रफ है और बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मुझे अपने बालों की केयर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, पर मेरे पास वक्त नहीं रहता। तो अगर आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है बहुत ज्यादा अपने बालों की केयर करने का, तो वीक में सिर्फ एक बार आपको इस हेयर ऑयल को यूज करना है खुद पर, और रिजल्ट्स आप मेरी बात मत मानिए, इसे जरूर बनाकर देखिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जब आप इसे अपने बालों पर अप्लाई करेंगे, हेयर ऑयल लगाएंगे, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप हेयर वॉश करेंगे, उसके बाद आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। सुबह उठने के बाद जब बालों को वॉश करेंगे, आपके बाल जो है काफी ज्यादा सिल्की हो जाएंगे और काफी ज्यादा शाइनी लगने लगेंगे, पहले से बालों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सिंगल यूज में आपको रिजल्ट तो देखने को मिलेगा, अगर आप इसे लॉन्गर टाइम के लिए फॉलो करेंगे तो आपको इसके परमानेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे प्रिपेयर कैसे करती हूँ। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा लीव्स का यूज करा है। इस ऑयल में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एलोवेरा जेल। तो हमने यहाँ पे नाइफ की हेल्प से एलोवेरा के पीसेस इस तरीके से कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो एलोवेरा के पील हटा के इसका जेल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इस ऑयल को मैं काफी ज्यादा सिंपल रखना चाहती हूँ, इजीली बनाना चाहती हूँ, तो इसे मैंने नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट करा है, एंड बेंडर की हेल्प से मैं इन सभी की फाइन प्यूरी बनाकर तैयार करने वाली हूँ। इसे बनाना काफी ईजी है। अब हमने यहाँ पर एलोवेरा की फाइन प्यूरी प्रिपेयर कर ली है और अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 कप ऑफ कोकोनट ऑयल। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अपना फ्रेश एलोवेरा जेल जो अभी हमने प्रिपेयर किए थे नाइफ से कट करके। ये जेल हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसमें कोकोनट ऑयल को ऐड करने के बाद 5 to 7 minutes के लिए इसे अच्छे से बॉयल होने देना है, ताकि एलोवेरा की जितनी भी गुडनेस है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके बालों के लिए, वो सभी इस ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएं। इस ऑयल को बनाना काफी ज्यादा इजी है, आप इसे 1 month के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एंड अब आप इस ऑयल का कलर देख सकते हैं, लाइट ग्रीन हो गया है इसका कलर। एंड अब मैं इसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन आउट करने के बाद स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इस ऑयल को हमें लगाना कैसे है। इस ऑयल को आपको अपने पूरे बालों पर मसाज करते हुए लगाना है सर्कुलर मोशन में। आपको अपने बालों पे ज्यादा तेजी से मसाज नहीं करनी है, वरना हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे स्कैल्प की इस ऑयल से मसाज करनी है। एंड आपको इसके परमानेंट रिजल्ट्स चाहिए तो वीक में 2 से 3 बार आपको इस ऑयल के रेगुलर यूज को करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो हमारा ऑयल बनके बिल्कुल रेडी है। एलोवेरा हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा में काफी ज्यादा नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके ड्राई, डैमेज एंड रफ बालों को दोबारा रिप्लेनिश करता है, दोबारा बालों में नई चमक, नई जान लेकर आता है। अब आप देख सकते हैं हमारा ऑयल बनके बिल्कुल रेडी है। इसे अपने पूरे स्कैल्प पर लगाएं एंड मॉर्निंग में आप अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। तो मैं हफ्ते में 2 बार इस ऑयल को अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करती हूँ। इस ऑयल को बनाना काफी ज्यादा इजी रहा है, हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं है, एंड आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। वीक में 2 बार जब भी आपको टाइम मिले आप नाइट में इसे अप्लाई करें, मसाज करें अपने बालों की। 15 से 20 मिनट आपको इस ऑयल से अपने पूरे स्कैल्प की अच्छे से मसाज करना है। जितने अच्छे से इस ऑयल से आप अपने बालों की मसाज करेंगे, ये ऑयल आपके स्कैल्प में, बालों में, रूट्स में उतने अच्छे से एब्जॉर्ब होने वाला है, एंड आपको इसके
बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट मी नो कि आपने इस एलोवेरा हेयर ऑयल को ट्राई करा या नहीं। मैंने पर्सनली खुद ने इस ऑयल को अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड कर लिया है। सिंपल एंड इजी स्टेप्स में मैंने इसे बनाकर तैयार करा है। देखा आपने ऑयलिंग करने का सही तरीका, बालों पर किस तरीके से तेल की मालिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल लिया और हम अपने बालों को ऐसे घिसे जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हेयर ऑयल के आपको बेनिफिट्स तो कम मिलेंगे बल्कि हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अपने बालों को ऑयलिंग जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही करें। पूरे स्कैल्प से लगाना स्टार्ट करें, पार्टिशंस करते जाएं एंड एट द एंड अपने बालों को नीचे से, यानी कि क्यूटिकल्स जो है, हमारे हेयर क्यूटिकल्स हैं, उन्हें भी आप हाइड्रेट करना, मॉइस्चराइज करना ना भूलें। उन पर भी ऑयलिंग ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।